Nurturing excellence. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एबेकस एकेडमी के परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज अपन करने वाले हैं रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर एनालॉजी। इससे पहले अपन रीजनिंग के चैप्टर कर चुके हैं और कंटिन्यू इसी तरीके से आपको मैं सारी चैप्टर्स कवर करूंगा, ठीक है। तो आज अपन करने वाले हैं एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से आप रीजनिंग का कंप्लीटली सिलेबस कवर करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। एंड अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं एनालॉजी। ओके, देखो एनालॉजी क्या होती है। एनालॉजी इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स। ओके, कि दो वर्ड्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। वो ही रिलेशन अपने को अदर पेयर बनाना पड़ता है उसका, सिमिलर सेम टू सेम। एनालॉजी का मतलब होता है सेम टू सेम, सिमिलर। ओके, कि यहां अपने को एक दो पेयर दिए हुए होंगे। ओके, तो यहां एक पेयर कंप्लीट होगा जिसमें उनके बीच में कुछ रिलेशन होगा, कोई लॉजिक होगा, कोई रिलेशनशिप होगा। वही रिलेशनशिप अपने को जो अनकंप्लीट पेयर होगा उसमें फाइंड करना है। ओके, तो जब एनालॉजी मतलब सेम टू सेम, मतलब जो रिलेशन यहाँ फर्स्ट वाला पेयर है कि यहाँ कोई वर्ड वन एंड सेकंड, ठीक है। यहाँ अपने को टू वर्ड्स आर गिवन, दोनों गिवन होंगे तो उनके बीच कोई लॉजिक होगा या उनके बीच कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो वो रिलेशन या लॉजिक अपन फाइंड करेंगे एंड वो ही लॉजिक अपने को यहाँ क्या करना है, अप्लाई करना है। तो फर्स्ट पेयर से जो कंप्लीट पेयर आएगा वहां से अपने को उसका लॉजिक या फिर रिलेशनशिप फाइंड करना है। एंड जो अनकंप्लीट पेयर रहेगा, जो अनकंप्लीट पेयर रहेगा उसको अपने को वहां अप्लाई करना है। क्योंकि इन जो पेयर फर्स्ट एंड पेयर जो सेकंड है, दोनों में क्या होता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन सेम होता है। यहां जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक यहां लगेगा, जो फर्स्ट पेयर में जो लॉजिक लग रहा है वही लॉजिक सेकंड पेयर में लगेगा। ओके, तो फर्स्ट पेयर के अंदर अपने को दो वर्ड, दो लेटर या दो नंबर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और वो कंप्लीट पेयर होगा तो फर्स्ट अपने को वो उनके बीच रिलेशन देखना है कि फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड से या फर्स्ट लेटर का सेकंड लेटर से या फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से क्या रिलेशन है, क्या लॉजिक है। वही लॉजिक अपने को थर्ड से फोर्थ पे अप्लाई कर देना है या वही रिलेशन अपने को यहाँ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ अपने को क्वेश्चंस का पता चल जाएगा। क्वेश्चंस में डायरेक्ट अपने को लिखा हुआ है कि फाइंड द, जैसे वहां आगे मेंशन किया हुआ नहीं होता है कि ये क्वेश्चन एनालॉजी का है, वहां क्वेश्चन आता है कि फाइंड द रिलेटेड वर्ड ऑफ द गिवन वर्ड्स इफ द दिस वर्ड्स रिलेटेड टू दिस। ओके, मतलब एक वर्ड का दूसरे वर्ड से अपने को रिलेशन दे देगा कि ये है। अब आपको सेकंड वर्ड का बताना है कि इसका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो वहां अपने को दो पेयर रहेंगे, ठीक है। वहां ऐसा ही लिखा हुआ था कि जैसे एक वर्ड आ गया, ठीक है, फिर सेकंड वर्ड, उसके बाद यहाँ आएगा वर्ड थ्री एंड फोर्थ अपने को फाइंड करना। तो अपने को फर्स्ट से सेकंड के बीच रिलेशन देखना है, कोई लॉजिक देखना है और वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ओके, समझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है कि एनालॉजी। अब देखो एनालॉजी में मैंने कहा कि सेम टू सेम अपने को वर्ड नंबर या लेटर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो एनालॉजी होगी वो जो उनके बीच रिलेशन होगा वो किनके बीच होगा, वहां कुछ अपन एलिमेंट्स यूज में लेंगे भाई, कुछ एलिमेंट्स के बीच में अपन रिलेशन निकाल सकते हैं। तो वो एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, वर्ड लेटर एंड नंबर। देखो वर्ड्स के अंदर क्या आता है, वर्ड्स के अंदर जितने भी वर्ड से रिलेटेड होते हैं, जस्ट लाइक कंट्री हो गया, उस कंट्री का उसकी कैपिटल से रिलेशन हो गया, कोई वर्क हो गया या वर्किंग टूल हो गया, ठीक, या वर्क प्लेस हो गया या फिर पार्ट ऑफ होल हो गया, इस तरीके से, या फिर अपोजिट रिलेशन हो गया। ऐसा पूछा था कि वर्ड्स का फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड से रिलेशन होगा और वही रिलेशन अपने को थर्ड से फोर्थ में फाइंड करना होगा। अब लेटर्स में अपने को पता है कि लेटर्स में अपन क्या यूज में लेते हैं, ए टू जेड जो अल्फाबेट्स होते हैं वही, और उनके अल्फाबेट्स का अपने को वैसे आपको पता है कि अल्फाबेट से रिलेटेड जब भी आता है तो अपन क्या क्या यूज में लेते हैं, दो ही तरीके होते हैं, या प्लेस वैल्यू
उनकी प्लेस वैल्यू में या तो कुछ प्लस कर दें या माइनस कर दें या प्लस माइनस दोनों चीज कर दें, या फिर अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज में लें। नंबर में अपने को पता है कि नंबर्स लेगा वो 0 से 9 तक। अब यहाँ उस नंबर्स में प्लस कर सकता है, माइनस कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, या फिर उनके स्क्वायर कर सकता है, या फिर क्यूब कर सकता है, या स्क्वायर में प्लस कर दे या फिर क्यूब में प्लस कर दे। ठीक, तो वो अपन फर्स्ट अपन लॉजिक फाइंड करेंगे फर्स्ट पेयर से, एंड सेकंड पेयर में अपन उसको अप्लाई करेंगे। ओके, तो जैसे कि आपने देखा कि जो जितने एलिमेंट्स यूज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ एनालॉजी हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप इज वर्ड एनालॉजी, सेकंड इज लेटर एनालॉजी, एंड थर्ड इज नंबर एनालॉजी। ठीक, जैसा कि अपन ने पहले देखा कि वर्ड एनालॉजी के अंदर अपन क्या यूज में लेंगे, वर्ड्स। अब वो वर्ड्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वहां अपोजिट का रिलेशन ले सकता है, वर्क का ले सकता है, ठीक है, या टूल्स ले ले, कंट्री हो गया, कैपिटल हो गया, स्टेट हो गया, मतलब वर्ड्स का जो रिलेशन रह गया क्लासिफिकेशन से हो गया, जैसे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन एंड एनिमल्स की हैबिचुअल एक्टिविटी। ओके, जैसे अपने बॉडी पार्ट्स के नेम हो गए, तो वो किसी भी तरीके के वर्ड्स हो सकते हैं, उनके बीच कुछ रिलेशन या लॉजिक होगा, वो सेम अप्लाई करेंगे। लेटर्स के अपन लेटर्स यूज में लेंगे, जो कि अपन या तो अपोजिट कंसेप्ट यूज में लेते हैं या फिर लेते हैं अपन प्लेस वैल्यू। थर्ड अपन नंबर्स में, नंबर्स आपको पता है कि टाइप्स ऑफ नंबर हो जाते हैं, या तो कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओके, देन स्क्वायर, क्यूब, या प्लस कर दे माइनस कर दे या प्लस माइनस। ओके, तो इस तरीके से इनके 3 टाइप है, टाइप ऑफ एनर्जी। अपन इनको एक एक को पर्टिकुलर एक एक क्लास में देखेंगे, ठीक है, तीनों का अपन एक एक क्लास में मैं करवाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिस तरीके के अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अपन एक एक टाइप को अच्छे से कवर करेंगे। आज अपन इसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं, ठीक है, तो आप लास्ट तक जुड़े रहिए। देखो, फर्स्ट टाइप है वर्ड एनालॉजी। ओके, तो देखो वर्ड एनालॉजी क्या हुआ कि जैसे वहां क्वेश्चंस में जो आता है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वहां अपने को गिवन नहीं होगा कि वर्ड एनालॉजी है, वहां देखो ऐसा लिखा हुआ आएगा, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनकी आपको रिलेटेड वर्ड फाइंड करना है, या फिर इस तरीके से नहीं देखिए, डायरेक्ट लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखा हुआ कई बार कि इफ इंक रिलेटेड टू पेन जस्ट लाइक ब्लड इज रिलेटेड टू, इस तरीके से आ सकता है, मतलब लैंग्वेज फॉर्म में भी आ सकता है या फिर इस तरीके के भी लिख सकते हैं। ठीक, तो वहां अपने को ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये किससे का है, एनालॉजी का या कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग का तो अपने को पता है कि ये वहां तो प्लेस वैल्यू में कुछ करते हैं, लेकिन वहां वर्ड्स का नहीं होता है कोडिंग डिकोडिंग, क्योंकि वर्ड एनालॉजी में देखो यहां वर्ड्स है, इंक का पेन से रिलेटेड है, वही रिलेशन अपने को ब्लड से नेक्स्ट फाइंड करना है कि किसका होगा। ठीक, तो आप अगर आरएमएस में आपका टारगेट है 50 आउट ऑफ 50, अपन वो अचीव करके रहेंगे। ठीक है, आप जो मैं जितनी भी क्लासे करवा रहा हूँ आपको, वो आप कंटिन्यू देखते रहिए, बस जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्वेश्चन करते रहिए, और जो टॉपिक मैं आपको करवाता हूँ जिस जिस दिन, आप उसके 10 से 15 क्वेश्चन कर लिया वो, बस अपनी बुक से कर लो, वर्कशीट से कर लो, या फिर आपके पास बुक नहीं है तो हम टेलीग्राम पे वर्कशीट डालते हैं, वहां से कर सकते हो आप। इनके बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, बस क्लास खत्म की उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस की, फिर क्लियर हो जाए। उसके बाद अपन जब मॉडल्स पेपर करेंगे तब आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जब आप अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो कि अपनी तैयारी कैसी चल रही है, अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जैसे आपके आरएमएस के फॉर्म भर चुके हैं तो आपको पता होगा कि सीट्स कितनी है, एंड फॉर्म उससे लगभग 10 to 15 टाइम फिल किए गए हैं, तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो कंपटीशन तो है, तो आपको बता भी होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी तैयारी कितनी चल रही है। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप टेस्ट ज्वाइन कीजिए, आप टेस्ट देते रहिए, आप कहीं से भी टेस्ट दीजिए, टेस्ट चाहिए आप एक कोचिंग की जगह दो कोचिंग की दीजिए, ठीक है, लेकिन टेस्ट देते रहिए, आपको खुद की तैयारी का पता टेस्ट से ही चलेगा। मतलब पढ़ने का तरीका यही होता है कि फर्स्ट आप लेक्चर देखो, वहां से आप समझो, देन आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, एंड देन आप टेस्ट दो, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरे को समझ में कितना आया है। ओके, और आप अगर हमारे से एकेडमी से टेस्ट देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है,
वहां से आप को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप एक गूगल फॉर्म आएगा, वहां पे आप अपने करेक्ट, जैसे ही आप अपने डिटेल फिल करोगे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मतलब फिर आप पेपर दे सकते हो, आपको रिजल्ट भी शो किया जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आपके कौन से क्वेश्चन गलत रहे, ये सब। ओके, तो इस तरीके से होता है कि पढ़ने का सबसे पहले क्लास देखो, फिर वर्कशीट सोल्व करो एंड देन टेस्ट दो। ओके, देखो अब देखते हैं अपन फर्स्ट टाइम वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी के देखो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट जो एक पेयर होगा वो अपने को गिवन होगा एंड वो कंप्लीट पेयर होगा, जैसे ये वाला पेयर है ये कंप्लीट पेयर है कि इंक पेयर। अब अपने को यहाँ वर्ड फर्स्ट है ये और ये वर्ड सेकंड है, ठीक है, कि अपने को रिलेशन देख रखा है इंक का पेन से और अपने को फाइंड करना है ब्लड का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, अपना क्वेश्चन यही है। तो फर्स्ट अपन ये देखते हैं कि ये वाला पेयर जो है ये क्या है, कंप्लीट पेयर, कंप्लीट पेयर है। अब कंप्लीट पेयर में अपने को क्या करना है, इसका लॉजिक या फिर रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। तो देखो इंक का अगर पेन से रिलेशन देखें अपन, तो इंक का पेन से क्या रिलेशन है कि इंक किसके अंदर डाली जाती है, पेन में, या फिर इसके अंदर फिल होती है या इसके अंदर भरी हुई रहती है, पेन के अंदर होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो अब यहाँ से अपने को लॉजिक क्या करना है, फर्स्ट अपने को लॉजिक को करना है फाइंड, फाइंड लॉजिक या फिर रिलेशन। देन सेकेंड जो पेयर रहेगा वहां अपने को क्या करना है, उसको अप्लाई कर देना। तो यहाँ अपने को पता चला कि इंक किस में होती है, पेन में, तो ब्लड कहाँ होता है, ब्लड किस में फिल हुआ रहता है या फिर किससे फ्लो होता है, किस में रहता है। देखो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट तो होता नहीं है। सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर, तो डॉक्टर भी यूज होता। फिर अब वेन, हाँ वेन में तो ब्लड रहता है, डोनेशन, वो तो ब्लड डोनेट करने की बात रह गई। जबकि यहाँ लॉजिक ये मिला था अपने को कि पेन के अंदर फिल की हुई रहती है, फिर जब उसके अंदर भरी हुई रहती है, तो पेन में क्या रहती है इंक, तो ब्लड किस में रहेगा, वेन में। तो यहाँ अपना आंसर क्या आया, वेन, तो अपना आंसर हो जाएगा 3। इस तरीके से अपने को रिलेशन देखना है कि आपको फर्स्ट वर्ड से सेकंड वर्ड के बीच में रिलेशन देखना है कि इनके बीच क्या रिलेशन है। जैसे इंक पेन, कि पेन के अंदर इंक रहती है, तो ब्लड किसके अंदर रहता है, वेन में, वही वेन से फ्लो होता है ना जो ब्लड होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, कि आपको ये जो दिया हुआ है अल्टरनेट ऑप्शंस, इनमें से आपको पता लगाना है कि कौन सा होगा। तो देखो फर्स्ट है चिमनी और इसका रिलेशन देख रखा है स्मोक, और सेकंड पेयर अपने को फाइंड करना है, ठीक। यहां देखो ये था कंप्लीट पेयर अपना, कंप्लीट पेयर, और ये था इनकम्प्लीट पेयर। तो अपने को जो दिया, जो गिवन होगा, जो वर्ड्स, जो जो मतलब टू वर्ड्स होंगे उनके बीच जो रिलेशन दिया होगा वो कंप्लीट पेयर, मतलब ये एक पेयर कंप्लीट किया हो गया हुआ है, और ये नेक्स्ट जो पेयर है ये अनकंप्लीट है। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट इसमें रिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ देखते हैं कि चिमनी और स्मोक में क्या रिलेशन होता है। अब देखो चिमनी क्या होती है, चिमनी क्या होती है, जो फैक्ट्रीज में जो बड़े प्लांट्स होते हैं वहां चिमनी लगी हुई होती है, और उसके अंदर से वो बहुत हाइट के ऊपर रखी जाती है ताकि पोल्यूशन ना हो, और उसके अंदर से निकलती क्या है भाई, स्मोक कहाँ से निकलती है, चिमनी में से निकलती है। किसी भी फैक्ट्री हो या कोई भी प्लांट हो, तो वहां पे अगर कुछ बर्निंग का अगर कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, तो वहां से स्मोक निकलेगी। अब वो स्मोक ऐसे नीचे छोड़ देंगे तो क्या होगा, पोल्यूशन, तो उसके लिए क्या लगाई जाती है, चिमनी लगाई जाती है। तो उस चिमनी के अंदर से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। तो यहाँ से रिलेशन क्या मिला कि ये कोई थिंक है और इसके अंदर से ये कुछ निकल रहा है, ठीक है, आउटसाइड, वही इसे बाहर निकल रहा है। तो यहां अपन देखते हैं कि ऐसा कौन सा पेयर है जिससे से यहां कोई थिंक हो गए उससे वो चीज निकलेगी। तो देखो टी केटली, टी केटली, अगर केटली टी होता तो हो सकता था, क्योंकि केटली के अंदर से तो टी निकलती है, लेकिन टी के अंदर से केटली थोड़ी निकलती है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। फिर क्ले सिरेमिक, अब ये क्ले के अंदर से निकलता थोड़ी ना, क्ले से तो सेरेमिक बनाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। फिर हाउस रूफ, हाउस का मतलब छत और रूफ, मतलब वो तो घर के ऊपर ऊपर की बात होगी, यहाँ ऊपर की थोड़ी है वो, इसको ये इसको टेक आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो गन एंड ब्लड, देखो गन के अंदर से ब्लड निकलता है, यहाँ भी अपना ये था कि चिमनी के अंदर से क्या निकलती है, स्मोक, तो यहाँ क्या निकल रही है कि गन के अंदर से क्या निकल रही है, ब्लड। तो यहाँ कौन सा हो गया, ये रिलेशन कंप्लीट हो गया कि गन में से क्या निकल रही है, ब्लड निकल रही है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट, मतलब अपने को फर्स्ट से फाइंड करना है अपने को
कि यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है, अपने को लॉजिक मिला है कि चिमनी के अंदर से स्मोक निकल रही है, तो वही रिलेशन अपने को यहाँ लगाना पड़ेगा कि गन में से क्या निकलता है, बुलेट निकलता है, बाकी और जो थ्री ऑप्शन थे वो रॉन्ग थे, तो यहाँ अपना हो जाएगा आंसर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, सेकंड टाइप का देखते हैं कि लेटर एनोलॉजी। देखो लेटर एनोलॉजी जैसे कि मैंने पहले बताया कि लेटर एनोलॉजी के ना अपन यूज भी क्या करेंगे, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स कहां से कहां तक, ए टू जेड जो अल्फाबेट्स है वो यूज में लेंगे, और अल्फाबेट्स के अपन दो ही चीज यूज में लेते हैं, या तो क्या प्लेस वैल्यू या फिर अपोजिट कंसेप्ट। तो देखो अब दे रखा है क्वेश्चंस में सेम ऐसा ही लिखा हुआ है, जैसे वर्ड में था कि सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, कि आपको रिलेटेड लेटर फाइंड करना है इन ऑप्शंस में से। तो देखो अपने को दिया हुआ क्या है कि बी जे एन टी इससे बना सी आई ओ एस, ठीक है, और अपने को देखना है बी एच पी बी, और सेकंड अपने को फाइंड करना है, ठीक है। तो जो ये पेयर है ये कौन सा पेयर हो गया, कंप्लीट पेयर, और ये अपना हो गया अनकंप्लीट पेयर। ये कंप्लीट पेयर था, ये अनकंप्लीट पेयर था। अब देखो कंप्लीट पेयर से अपने को फर्स्ट क्या करना है, इनके बीच लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा, एंड सेकंड में अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन ये देखते हैं कि इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है, तो फर्स्ट इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इन प्लेस वैल्यू रखेंगे, तो बी की होगी 2, जे की 10, एन 14, टी 20, फिर सी का 3, आई 9, ओ 15, एस का 19, डी 4, एच 8, पी 16, वी 22, ठीक, ये रखती है। अब देखेंगे कि इनके बीच में क्या है, तो देखो यहां 2 से बना 3, 2 से क्या बन रहा है 3 बन रहा है, तो 2 से 3 कब बनेगा प्लस 1 करने में, फिर देखो 10 से बना 9, तो 10 से 9 कब बनेगा माइनस 1 करने में, फिर 14 से बना 15, तो 14 से 15 कब बनेगा प्लस 1 करने में, और फिर 20 से बना 19, तो 20 से 19 कब बनेगा माइनस 1 करने में। मतलब यहां से अपने को लॉजिक क्या मिला कि अल्टरनेटिव वन टाइम प्लस 1 देन वन टाइम इज माइनस 1, ठीक है, दिस इज लॉजिक, लॉजिक इज अल्टरनेटिव फर्स्ट प्लस 1 देन माइनस 1, ठीक है। तो सेम लॉजिक अप्लाई इन द सेकंड पेयर इन अनकंप्लीट पेयर, ओके, तो डी इज 4 देन फर्स्ट इज प्लस 1 देन प्लस 4 प्लस 1 देन 5 एंड सेकंड इज माइनस देन 8 माइनस 1 सो 7 देन 16 प्लस 1 17 एंड 22 माइनस 1 देन 21, ओके। अब अपन इनके लेटर्स लिख देते हैं कि इनके क्या लेटर्स आएंगे, अपने को लॉजिक यहां से मिल गया था कि क्या कर रहा था, एक बार प्लस वन देन माइनस वन देन प्लस वन देन माइनस वन, ठीक, और उससे अपने को यहाँ अप्लाई कर दिया कि एक बार अपने प्लस वन किया माइनस वन किया प्लस वन माइनस वन, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू के अपन नंबर्स मिल गए, अगर इनके लेटर्स लिख देंगे तो 5 का क्या हो जाता है ई, देन 7 का क्या होता है जी, 17 का हो जाएगा अपना क्यू, एंड 21 का हो गया यू, तो अपना आंसर क्या है, यहां अपने को वर्ड क्या मिला ई जी क्यू वी यू, EZQU, EZQU, ऑप्शन वन इज राइट आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, कि आपको रिलेटेड लेटर फाइंड करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां हो जाएगा AFKP देन ZUPK, ठीक, और थर्ड दे रखा है BZLQ, तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, अपने को पता है कि लेटर्स में तो अपने को क्या देखना पड़ता है कि ये कंप्लीट पेयर है, सेकंड वाला अनकंप्लीट पेयर है, तो यहाँ से लॉजिक देखना है, तो लॉजिक कैसे पता चलेगा, सबसे पहले अपन क्या रखेंगे इनकी प्लेस वैल्यू, तो यहाँ हो गया 1, 6, 11, 16, यहाँ जेड हो गया 26, 21, ठीक है 16, 11, फिर हो गया यहाँ 2, 7, 12 एंड 17, ठीक। तो इनमें अपन फर्स्ट क्या करते हैं, लॉजिक फाइंड करना है अपने को, तो लॉजिक देखते हैं कि 1 से हो गया 26, फिर एफ से हो गया 16, फिर के से हो गया 16, और फिर पी से हो गया के, तो देखो यहाँ कुछ माइनस हो रहा है कुछ प्लस हो रहा है, बट अपने को यहाँ जिसको अपोजिट कंसेप्ट याद हो वो इसको देखते ही पता लगा लेगा कि ए का अपोजिट क्या होता है जेड, एफ का अपोजिट क्या होता है यू, एंड के का अपोजिट क्या होता है पी, एंड पी का अपोजिट के,
अपन ने अपोजिट वाला देखेगा, अगर आपको अपोजिट अभी तक याद नहीं हुए एंड प्लेस वेर यू आर दी, तो आप अल्फाबेट्स वाला जो मैंने वीडियो डाल रखा है आप उसको देखे, आप उसको एक बार देखते ही आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, याद भी हो जाएगा, बस आपको एक से दो बार लिख के देखना है, देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपको मैंने पहले भी बताया कि जो ये प्लेस वेर अपोजिट कंसेप्ट है ये अपने रीजनिंग में 4 से 5 चैप्टर्स में यूज आएंगी, और यहाँ से कम 10 to 12 क्वेश्चंस आएंगे जो आपके प्लेस विल बी अपोजिट कंसेप्ट पे डिपेंड होंगे, तो वो जो क्लास आपकी वेरी वेरी इज इंपॉर्टेंट अल्फाबेट्स वाली, वो क्लास आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है, उसको एक तो 1 to आप एक बार देखते ही आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद आप एक दो बार बोल लीजिए, एक दो बार अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ आपने को बताया कि यहाँ आपने को लॉजिक क्या मिला कि जो ये फर्स्ट वर्ड था उसका सेकंड वर्ड से रिलेशन था कि अपोजिट लिखे हुए थे, तो अपन सेकंड में अपन वही चीज अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ देखो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी ओ वाई, तो बी का अपोजिट वाई, जी का क्या था, जी टी टावर, गौरव टावर, तो जी का टी, फिर एल का अपोजिट था अपने पास लव, तो एल का अपोजिट ओ, फिर क्यू था जयपुर क्वीन, तो क्यू का अपोजिट जे, तो यहाँ अपने को क्या मिला आंसर, YTOJ, 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 ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है एंड थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चंस की, आराम से कर लोगे, अपन RMS में 50 out of 50 इजीली कवर कर लेंगे, या किसी भी लेवल का एग्जाम हो आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे सकते हो, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यही लॉजिक अप्लाई होते हैं, आप सिर्फ क्लास को अच्छे से देख लो एंड क्वेश्चंस की 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, आप इजीली कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन नंबर एनालॉजी, जैसे कि नाम से पता चल रहा है नंबर एनालॉजी, तो नंबर एनालॉजी के अंदर अपन क्या यूज में लेंगे, नंबर्स यूज में लेंगे, नंबर्स के अंदर क्या क्या आता है कि टाइप्स ऑफ नंबर या डिविजिबिलिटी या फिर प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब, ये चीजें करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम टाइप का होगा, लिखा हुआ है क्योंकि सिलेक्ट द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, कि जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन इसका ऑप्शन से आपको बताना है कि इनके बीच में कौन सा रिलेशन होगा। ठीक, तो यहाँ आपने को दिया है कि 420 देन 8 और नेक्स्ट नंबर को फाइंड करना है, तो फर्स्ट अपने को देखना है कि 4 से भाई ये वाला कंप्लीट पेयर है, तो कंप्लीट पेयर से अपने को रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, और सेकंड पे अप्लाई करेंगे, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए अपन देखेंगे कि 4 का 20 से क्या रिलेशन है, तो देखो नंबर्स वाले में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इसको यहाँ अपन ऑप्शन से देख लेते हैं कि जैसे मैं अगर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी 20 बन रहा है, तो यहाँ लॉजिक मिला कि फर्स्ट नंबर को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो सेकंड नंबर मिल जाता है, तो यहाँ अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आएगा, बट 40 तो यहाँ ऑप्शन भी नहीं है, तो मतलब लॉजिक गलत हो गया। लेकिन एक लॉजिक हो रहा है कि जो फर्स्ट लेटर है वो अपने अगर सेकंड लेटर से मतलब एक इंक्रीज करके उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 20 आता है, तो सेकंड में क्या कर सकते हैं, 8 है तो इसका एक का इंक्रीज कर देंगे तो क्या नंबर हो गया 9, तो 18 9 72, और 72 अपने पास ऑप्शन में है, मतलब ये लॉजिक लग सकता है। तो यहां से अपने को लॉजिक क्या मिला कि ये जो नंबर था इस नंबर को अपन ने +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ 20 आ चुका है, यहाँ से अपने को लॉजिक मिला, उस लॉजिक को यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ अपने पास नंबर था 8 तो इसको इंक्रीज करेंगे तो 9 हो गया, तो 8 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 72, और 72 अपने पास ऑप्शन में है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इस तरीके से आपको करना है, मतलब देखो लॉजिक ये भी लग रहा था, बट जो लॉजिक लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो अपना मतलब ऑप्शन में भी होना चाहिए, इसलिए एक क्वेश्चन पे एक चीज ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं बट पे उसका आंसर अपने ऑप्शन में भी होना चाहिए तभी वो होता है, नहीं तो लॉजिक तो ये भी था कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा, बट 40 ऑप्शन में नहीं है तो वो गलत हो गया। यहाँ फिर अपन ने सेकंड देखा कि 4 नंबर था उससे एक इंक्रीज कर देंगे नंबर 5, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 20, तो सेम रिलेशन हो जाएगी, या नंबर 8 था उसपे इंक्रीज एक करेंगे तो 9, तो 8 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे 72, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्टेड द रिलेटेड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, अपने को नंबर गिवन है 121, इसका रिलेशन था 12, तो अपने को फाइंड करना था कि 25 का क्या रिलेशन होगा, तो देखो आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको रीजनिंग में अपने पास याद करने की वजह से चीजें बहुत कम है, लेकिन कुछ जो है वो अपने को याद ही करनी पड़ेगी, जैसे कि प्लेस वैल्यू, अपोजिट कंसेप्ट,
स्क्वायर याद करना है अपने को ये, आपको देखो लर्न क्या क्या चीजें करनी है। प्लेस वैल्यू एक तो अल्फाबेट्स की, अपोजिट कंसेप्ट, उसके अलावा स्क्वायर, 1 to 30, क्यूब 1 to 15, ठीक, और भी कई चीजें, मतलब ज्यादा नहीं है लेकिन रीजनिंग में कुछ चीजें ये जो तो अपने को याद होनी जरूरी है। अब देखो यहाँ जैसे क्योंकि अपने को जो सीरीज हो गया, एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सब में जो नंबर्स आते हैं वहां पे अपना स्क्वायर और क्यूब दोनों चीजें यूज में आती है। तो देखो ये क्योंकि आपको नंबर्स को देखते ही पता चल जाना चाहिए, या 121 लिखा हुआ है या 25, अपने को पता है कि ये क्या है, स्क्वायर्स है, स्क्वायर। तो देखो ये स्क्वायर किसका है, 121, अपने को पता है कि ये स्क्वायर है 11 का, भाई 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, ठीक है। और यहाँ नंबर दे दिया 2, तो यहाँ इस नंबर में प्लस 1 कर दूंगा तो क्या मिल गया, 20। तो अपन देखेंगे 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का, स्क्वायर करने पे कितना आता है, 20 का, मतलब ये किसका हो गया, 5 का। तो यहाँ से अपने को लॉजिक मिला था कि जो स्क्वायर आ रहा था, जिस नंबर का स्क्वायर था, उस नंबर में अपन ने क्या कर दिया था, उस नंबर में अपन ने क्या कर दिया था, +1, ठीक है। तो यहाँ 11 का स्क्वायर था, +1 किया था 12, तो यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो इसमें मैं अगर +1 करूंगा तो क्या बन जाएगा ये, 6, और 6 अपने पास ऑप्शन में है, ऑप्शन इज सेकंड, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। इसी तरीके से करना है, बहुत ईजी है। आप इस क्लास को देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक, एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अपन ने जो ये तीन टाइप देखे हैं, वर्ड एनोलॉजी, लेटर एनोलॉजी एंड नंबर एनोलॉजी, तीनों को मैं अलग अलग एक एक को फिर से अपन एक एक क्लास में करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं 10 to 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और फिर आपको वो क्लास देखने के बाद आपको सिर्फ 10 to 15 क्वेश्चंस कर लेने हैं। वो आप चाहो तो ब्रिक बुक से कर लो, या फिर हमारे जो वर्कशीट है वहां से कर लो, कहीं से भी कर सकते हो आप क्वेश्चंस। आपको 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आपका वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपन यहीं तक फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे इसके फर्स्ट टाइप के साथ, वर्ड एनालॉजी, ठीक है, एंड उसको कंप्लीट करेंगे। आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से रीजनिंग का कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी आपके लिए, और अपना टारगेट अपन अचीव कर लेंगे, 50 out of 50। ओके, थैंक यू। Take free offline mock test every Sunday and evaluate your preparation. For this, visit our academy. Jai Hind.